हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, अभी हम शेयर मार्केट को बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं। इससे पहले मैंने 4 वीडियो बना दिए हैं और आज मैं अपना 5वां वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो अगर आप शेयर मार्केट को बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे लास्ट के 4 वीडियो भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है और ये भी बता दिया है कि ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है। आज की इस वीडियो में आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उससे पहले एक डेरिवेटिव्स नाम का दोस्तों शब्द है। जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव्स के अंदर ही आती हैं। तो काफ़ी सारे लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में डायरेक्ट बताने लगते हैं और वहाँ पर वो बोलते हैं डेरिवेटिव्स। तो जब मैं भी बिगनर था तो मेरी समझ नहीं आता था कि यार ये डेरिवेटिव्स क्या होता है। तो मैंने कहा कि जो हमारे सब्सक्राइबर या फिर व्यूअर हैं तो उनका पहले यही डाउट क्लियर करते हैं कि आखिर डेरिवेटिव्स होता क्या है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होती हैं, डेरिवेटिव्स कितने टाइप्स की होती हैं और डेरिवेटिव्स में लोग ट्रेड क्यों करते हैं, डेरिवेटिव्स के बेनिफिट क्या हैं, लॉस क्या है। साथ ही हम मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे भी कि आखिर डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आज दोस्तों हम डेरिवेटिव्स के बारे में जानेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन इसमें आएगा, उसको समझेंगे, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करते हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि डेरिवेटिव्स होता क्या है। तो देखो, डेरिवेटिव्स के बारे में यहाँ पर भी ये मैंने अपने हाथ से लिखा है और जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी या फिर मैंने इसको समझना चाहा तो इतना आसानी से कहीं पर मैंने पढ़ा नहीं। इसीलिए अगर आप इसको पढ़ना चाहें कि डेरिवेटिव्स क्या होता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि डेरिवेटिव्स, देखो जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं भाई बता देता हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट में, अब शेयर मार्केट है वो भी दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट ही है, तो फाइनेंशियल मार्केट में डेरिवेटिव्स का मतलब किन्हीं दो पक्षों के मध्य होने वाला समझौता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर दो संस्थान हो सकती हैं, दो लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो इन लोगों संस्थान या फिर लोगों के बीच में आपस में क्रय या फिर विक्रय करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। आने वाले टाइम में क्रय विक्रय करना है, इसके लिए लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फाइनेंशियल एसेट को फिक्स टाइम, मतलब कि आने वाले 2 महीने 3 महीने 1 साल, फिक्स प्राइस भाई इतने प्राइस पे ख़रीदना है, फिक्स क्वांटिटी 2 खरीदने हैं 3 खरीदने हैं 10 खरीदने हैं, तो इसको लेके कॉन्ट्रैक्ट होता है। और डेरिवेटिव्स का खुद का कोई मूल्य नहीं होता है, इसका प्राइस अंडरलाइन एसेट पर डिपेंड करता है। अंडरलाइन का मतलब है आप अंडरलाइन को हटा के इस जगह पर कुछ भी लिख दीजिए, उसके प्राइस पर डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जाम्पल पनीर, अंडरलाइन की जगह पे आप पनीर लिख दीजिए। ठीक है, तो पनीर का प्राइस डिसाइड होता है कि दूध कितना महंगा है। अगर दूध सस्ता है तो पनीर ऑटोमेटिक सस्ता हो जाएगा। आटा, ठीक है, अगर गेहूं महंगा है तो आटा भी महंगा होगा, अगर गेहूं सस्ता है तो आटा ऑटोमेटिक। इस तरीके से काफ़ी सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे। खैर, अभी इसको हम यहाँ पर छोड़ते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट लोग करते क्यों हैं, ठीक है, तो हम ये जानते हैं। और शेयर मार्केट में जाहिर सी बात है कि लोग पैसा कमाने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है इसको हम बिल्कुल एकदम ज़मीनी स्तर पर समझ लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पर एक कंपनी को मान लीजिए और एक आप मान लीजिए फार्मर। ठीक है, ये एग्जाम्पल यहाँ पर सब लोग समझेंगे। ये एग्जाम्पल एक दूसरा वीडियो है, ठीक है, उसमें भी दिया गया है, तो आप ये मत समझना कि कॉपी कर ली। ये मुझे भी सरल लगा, मैंने इसीलिए वही आंसर वही एग्जाम्पल सेम ले लिया। तो देखिए, यहाँ पर एक कंपनी का ऑनर है, ठीक है, इसकी कंपनी है दोस्तों चिप्स की, ये चिप्स बनाता है। चिप्स किससे बनती है, आलू से। और ये जो फार्मर है वो अपने खेत में क्या करता है, आलू करता है। इस एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं कोई नमकीन लेता था, ठीक है, उसमें गेहूँ लग सकता था, ठीक है, या फिर तेल लग सकता था, और यहाँ पर मैं सरसों लिख देता, क्या फ़र्क पड़ता है, एग्जाम्पल कुछ भी हो जाता। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये आलू किसान उत्पादित करता है, ये चिप्स बनाने के लिए आलू ख़रीदता है, तो कहीं ना कहीं इसको हम बायर बोलेंगे, ये यहाँ पर सेलर है। अब यहाँ पर दोनों लोग अपना अपना गणित लगा रहे हैं, क्योंकि अभी के टाइम पर जो आलू का प्राइस है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 30 रुपये पर केजी चल रहा है। अब आने वाले टाइम में आलू महंगा भी हो सकता है, सस्ता भी हो सकता है। अभी आलू की फसल आई नहीं है, इसने उत्पाद किया है, ठीक है, अभी खेत में ही फसल खड़ी है, फसल पकने वाली है, अभी 2 महीने का टाइम लगेगा,
ठीक है। और इसको अभी देखो, अभी के टाइम पे प्राइस यही चल रहा है। अब इसको ये डर लग रहा है कि लास्ट टाइम पर आलू का उत्पादन बहुत कम हुआ था, यहाँ पर कम किसानों ने किया था, तो जिसकी वजह से आलू की शॉर्टेज थी, आलू महंगा बिका था। तो इसने क्या है, महंगा ख़रीदा था इसने लास्ट ईयर 40 रुपये पर केजी में आलू ख़रीदा था, तो इसकी लागत चिप्स बनाने में बढ़ गई, तो लास्ट ईयर इसने ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाया था। अब ये सोच रहा है कि इस साल भी आलू ना महंगा हो जाए, कि 50 या फिर 45 या फिर 40 ही ना लेना पड़े, जिससे कि हमें इस साल कुछ मुनाफा ही ना हो। और ये जो किसान है ये अपना अलग एनालिसिस कर रहा है कि लास्ट ईयर तो आलू 40 रुपये केजी सेल हुआ था, लेकिन इस साल काफ़ी सारे लोगों ने आलू किया है, ठीक है, तो आलू का उत्पादन ज़्यादा है तो सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड मार्केट में रहेगी नहीं, तो हो सकता है कि इसका प्राइस घट जाए, ठीक है। अभी 30 चल रहा है, जब फसल आए हो सकता है कि ये 20 रुपये पर केजी हो जाए। तो कहीं ना कहीं अपना दोनों लोग एनालिसिस कर रहे हैं, दोनों लोग अपना गणित लगा रहे हैं, अभी के टाइम पर प्राइस ये चल रहा है। तो यहाँ पर देखो, इसको भी डर लग रहा है, इसको भी डर लग रहा है, दोनों को डर लग रहा है। तो दोनों ही लोग अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, और दोनों लोग कॉन्ट्रैक्ट करते भी हैं कि देखो भाई, अभी के टाइम पर आलू 30 रुपये केजी चल रहा है, आने वाले 2 महीने में आलू का प्राइस कुछ भी हो, हम आपका आलू 30 रुपये केजी में ही लेंगे, ठीक है। ऐसा कौन बोल रहा है, कंपनी वाला, वहीं पर किसान भी बोल रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है कि आलू कहीं 20 रुपये किलो ना हो जाए, ये बोल रहा है कि ठीक है, हम अपना आलू 30 रुपये केजी ही बेचेंगे आने वाले 2 महीने बाद। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों लोग अपना अपना प्रॉफिट कमाने के लिए इस काम को या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को कर रहे हैं। अभी के टाइम पर अगर देखा जाए, इसको भी प्रॉफिट हो सकता है, इसको भी प्रॉफिट हो सकता है, और दोनों में से किसी एक को तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अभी के टाइम पर अपना दोनों प्रॉफिट लेके चल रहे हैं, क्योंकि दोनों की प्रेडिक्शन अलग अलग है। अब आने वाले 2 महीने बाद क्या होगा, हो सकता है कि आलू का प्राइस 30 रुपये केजी रहे, तो ना तो इसको फ़ायदा ना इसको घाटा, ठीक है, ना ही इसको फ़ायदा ना ही इसको घाटा। लेकिन अभी ये जो डील हो रही है, और आने वाले टाइम में आलू का प्राइस फिर से 40 रुपये किलो हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर किसान को लॉस है, कितने रुपए का, 10 रुपये पर केजी प्रॉफिट इसको है। कॉन्ट्रैक्ट अभी हो रहा है तो ये यहाँ पर विन हुआ, ठीक है, ये जीत गया, ये खुश हो रहा है, इसको लॉस हुआ। अब मान लीजिए कि आलू का प्राइस हो जाता है 20 रुपये किलो, जैसा किसान ने सोच रहा था, आलू का उत्पादन ज़्यादा हुआ है, आलू गया इतना, कॉन्ट्रैक्ट कितना किया है 30 रुपये का, कंपनी का ऑनर किसान से अब 30 रुपये किलो ही आलू खरीदेगा, भले ही 20 हो गया है, अब किसको लॉस हुआ, इसको लॉस हुआ, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर दोनों लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। अब इसके बाद ये वाला हमने एग्जांपल ले लिया, अब देखते हैं कि डेरिवेटिव्स कितने प्रकार के होते हैं, तो मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में ऑप्शंस के बारे में आपने सुना होगा, फ्यूचर के बारे में सुना होगा, फॉरवर्ड के बारे में नहीं सुना होगा, स्वैप के बारे में नहीं सुना होगा। तो ये आम पब्लिक के लिए नहीं है, आम पब्लिक के लिए क्यों नहीं है वो हम बताएंगे, और ना ही इसकी ट्रेडिंग होती है, इसी तरीके से इसकी भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती है, इसकी ट्रेडिंग क्यों नहीं होती है ये भी हम आपको बताएंगे, और फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में तो आप आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम नंबर 1 पर जान लेते हैं फॉरवर्ड के बारे में, कि आखिर ये वो है ये, ठीक है, कि आखिर ये फॉरवर्ड क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके से होता है, एक दोस्त है जिसका नाम है रोहित, या फिर एक लड़का मान लीजिए, दूसरा है जिसका नाम है सनी, ठीक है, ये 2 लोग हैं। सनी को बाइक खरीदनी है, इसका शोरूम है, ठीक है, तो शुरू में ए कौन हुआ दोस्तों, ए यहाँ पर हुआ सेलर, इसको बाइक खरीदनी है, तो ये यहाँ पर बायर हुआ। अभी के टाइम पर आप मान के चलिए कि जो बाइक का प्राइस है 1 लाख रुपए चल रहा है, लेकिन अभी सनी के पास पैसा नहीं है, सनी यहाँ पर सोचता है कि 2 महीने बाद हमारा पैसा आएगा, तो इस टाइम पर शायद 2 महीने बाद ये 1 लाख का जो बाइक है 1,20,000 का ना हो जाए, तो इसको क्या डर लग रहा है
कि इसका प्राइस कहीं बढ़ ना जाए। वहीं पर ये रोहित है शोरूम का ओनर, ये सोच रहा है कि इसी बाइक का नया मॉडल आने वाला है, ठीक है, तो ये वाला मॉडल पर पुराना हो जाएगा, फिर ये वाली बाइक सस्ती सेल होगी, ये 80,000 रुपये की सेल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसको लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा, इसको लग रहा है घटेगा, तो यहाँ पर दोनों लोग बीच में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि प्राइस कुछ भी हो 2 महीने बाद हम आपको पैसा देंगे, ठीक है, पेमेंट करेंगे और हम इसी प्राइस पर बाइक को खरीदेंगे। तो यहाँ पर दोनों लोग एग्री हो जाते हैं। अब आने वाले टाइम में दोस्तों क्या होगा, या तो मान लीजिए कि बाइक का प्राइस 80,000 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसको फ़ायदा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख में हुआ है, तो 20,000 रुपये का इसको फ़ायदा हुआ, इसको लॉस हुआ। और आप मान लीजिए कि बाइक का प्राइस है वो 1,20,000 हो जाता है, ठीक है, तो बाइक महंगी है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख में हुआ है, तो शोरूम वाले को 1 लाख में ही देनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं या तो इसको लॉस होगा या फिर इसको लॉस होगा। मान लीजिए 1 लाख ही रहता है तो ना तो किसी को प्रॉफिट होगा ना ही किसी को लॉस होगा। बाई चांस मान लीजिए कि शोरूम वाले को लॉस हो रहा है, ठीक है, तो इसमें एक डिसएडवांटेज है कि बीच में इसमें मीडिएटर कोई नहीं होता है, ठीक है, तो इसीलिए इसकी क्या है शेयर मार्केट में तो खैर ये ट्रेडिंग होती नहीं है, और क्योंकि बीच में कोई नहीं है ना, तो इसीलिए शेयर मार्केट के जो एक्सचेंज वगैरह हैं वो इसमें बीच में हो नहीं सकती। तो फॉरवर्ड का मतलब ये है कि सिर्फ दोनों लोगों के बीच में, इसमें तीसरी पार्टी कोई होगी नहीं, तो ये शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाता था। तो ये डिपेंड करता है कि अगर दोनों पार्टियाँ ईमानदार हैं, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट सक्सेस रहेगा। अगर कोई भी बेईमानी करता है या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटता है तो वो हट सकता है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। अब इसीलिए मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट इसमें आता नहीं है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पर फ्यूचर की। तो फ्यूचर भी सेम उसी की तरह है, मान लीजिए कि रोहित है, दूसरा सनी है, सनी बाइक लेना चाहता है, ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये सेलर है और सनी बायर है, इसको बाइक ख़रीदनी है, बाइक का प्राइस अभी के टाइम पर अभी की तरह 1 लाख ही है, इसको लगता है कि 1,20,000 रुपये होगा, इसको लगता है कि इसको लगता है कि 80,000 होगा। तो यहाँ पर दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अभी की तरह कि हम तो बाइक को इसी प्राइस में आने वाले 2 महीने बाद खरीदेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों में कहीं ना कहीं टाइम भी फिक्स हो रहा है 2 मंथ, प्राइस भी यहाँ पर फिक्स हो रहा है, ठीक है, फिक्स यहाँ पर रेट भी हो रहा है और क्वांटिटी भी फिक्स हो रही है कि एक बाइक ख़रीदनी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या है यहाँ पर पहले से ही फिक्स होके चल रही हैं। यहाँ पर भी हम सेम यही चीज़ें लिख देंगे, फिक्स टाइम, फिक्स क्वांटिटी, फिक्स रेट या फिर प्राइस, ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ें यहाँ पर क्या है पहले से ही फिक्स हो रही हैं, लेकिन इसमें क्या है बीच में एक मीडिएटर होता है। अगर मान लीजिए कि प्राइस 80,000 होता है, ठीक है, तो इसको क्या है यहाँ पर 20,000 रुपये का लॉस हो रहा है। अब बीच में यहाँ पर एक्सचेंज होती है और यह शेयर मार्केट में ट्रेड भी करते हैं फ्यूचर में, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ही था। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये कि यहाँ पर कोई व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि यहाँ पर रूल्स इसने बनाए हुए हैं, और ये जो अपना था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें जो भी रूल्स हैं वो ये सनी और रोहित बनाएंगे। यहाँ पर जो एक्सचेंज के रूल हैं या फिर जो शेयर मार्केट के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। अब इसके बाद आता है हमारा नंबर 3 पर ऑप्शन। देखो ऑप्शन में क्या होता है, ये यहाँ पर सेम एग्जांपल ले लीजिए रोहित और सनी का ही, ठीक है, ये यहाँ पर सेलर है, ये यहाँ पर बायर है, वही बाइक है स्प्लेंडर कोई सी भी मान के चलिए, ठीक है, तो दोनों को लग रहा है, इसको लग रहा है 1,20,000 रुपये की होगी, इसको लग रहा है 80,000 की होगी। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें एक अंतर है, ठीक है, इसमें अंतर ये है कि ये यहाँ पर तो जब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा उस टाइम पर ये जो बायर है वो सेलर को एक टोकन देगा, ठीक है, एक टोकन अमाउंट देगा, तो ये 2,000 रुपये भी दे सकता है, 5,000 रुपये भी दे सकता है,
ठीक है, जितना भी इन दोनों के बीच में, ठीक है, या फिर जो रूल्स कहती हैं उतना टोकन देना पड़ेगा या फिर 10,000 रुपये देना पड़ेगा। अब आने वाले टाइम में देखो कौन कौन सी कंडीशन बनेंगी, या तो बाइक का प्राइस 1,00,000 रुपये ही रहेगा तो ना तो किसी को घाटा होगा ना ही किसी को प्रॉफिट होगा, सेम है। अगर मान लीजिए कि आने वाले टाइम में प्राइस होता है 80,000 रुपये, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसको घाटा हो रहा है क्योंकि इसको फिर 20,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1,00,000 रुपये का, इसीलिए इसको यहाँ पर क्या है 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर इसने यहाँ पर क्या है, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट करते समय ये पैसा दिया है, तो अगर ये पीछे हटना चाहे कि नहीं अब तो 80,000 की बाइक होगी अब मैं नहीं ले रहा क्योंकि मुझे तो लॉस हो रहा है, तो ये जो टोकन अमाउंट पहले दिया था, ठीक है, इसको, तो ये वापस नहीं करेगा, टोकन अमाउंट पूरा इसका हो जाएगा। अगर डील कैंसिल कर रहा है तो वही कर दे, लेकिन ये टोकन अमाउंट रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। तो ये होता है ऑप्शन के अंदर। अब देखो एक कंडीशन और बनती है, मान लीजिए कि यहाँ पर रोहित को लॉस होता है, ठीक है, मान लीजिए कि प्राइस हो गया 1,20,000 रुपये और रोहित को देनी पड़ रही है इतने में ही, तो यहाँ पर सीधा का सीधा 20,000 रुपये का रोहित को लॉस हो रहा है। अगर रोहित कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटना चाहे कि मुझे तो लॉस हो रहा है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग डील नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है, तो रोहित की नहीं चलेगी, मतलब कि रोहित यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए मजबूर है, ठीक है। और वहीं पर अगर इसको लॉस हो रहा है कि 80,000 की हो गई मैं नहीं ले रहा, ठीक है, तो ये यहाँ पर पीछे हट सकता है और इसकी कंडीशन ये है कि फिर ये जो इसने पहले दिया था टोकन अमाउंट ये रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारा ऑप्शन। अब हम इसके बाद नंबर 4 पर बात करते हैं स्वैप कॉन्ट्रैक्ट की। तो स्वैप का मतलब होता है आदान प्रदान करना या फिर अदला बदली करना, ठीक है, अदला बदली करना स्वैप का मतलब। अब यहाँ पर एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि मैं हूँ इंडियन हूँ, इंडिया में रहता हूँ, लेकिन मुझे एक कंपनी ओपन करनी है अमेरिका में, तो अमेरिका में मैं कंपनी ओपन करना चाहता हूँ तो मुझे इंडिया से पैसा ले जाना पड़ेगा, मतलब कहने का ये कि इंडियन करेंसी मुझे डॉलर में कन्वर्ट करवानी पड़ेगी, ठीक है। और वहीं पर मान लीजिए कि मैं लोन लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इंडियन हूँ, अगर मैं अमेरिका में जाके लोन लेता हूँ तो वहाँ पर मुझे लोन महंगा मिलेगा क्योंकि मैं उस देश का नहीं हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इसी के आप अपोजिट समझ लीजिए कि मेरा एक दोस्त है वो अमेरिका में रहता है लेकिन वो इंडिया में आके अपना बिजनेस सेटल करना चाहता है, उसको इंडिया में अपनी कंपनी ओपन करनी है। अब अगर वो इंडिया में आके गवर्नमेंट से लोन लेता है या फिर बैंक से लोन लेता है तो उसको क्या है महंगा मिलेगा, और अगर वो वहाँ से करेंसी को लाता है तो उसको कन्वर्ट करवानी पड़ेगी डॉलर को रुपये में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों लोगों के लिए एक लॉस का कारण है कि अगर मैं वहाँ पर जाके लोन ले रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे महंगा मिल रहा है, और इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर वो यहाँ पर आके लोन लेता है तो उसको महंगा मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या है मतलब कि हम दोनों बोल सकते हैं कि भाई अगर तुझको इंडिया में चाहिए तो मैं दिलवा रहा हूँ, अमेरिका में चाहिए तो आप मुझे दिलवाओ। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर दोनों लोगों के बीच आदान प्रदान हो रहा है। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, लेकिन इसको आम नागरिक नहीं कर सकते, और मैं इसको करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, तो ये आम नागरिकों के लिए नहीं है। इसमें संस्थान कर सकते हैं, ठीक है, बैंक कर सकते हैं, आम नागरिकों के लिए नहीं है और ना ही इसमें ट्रेडिंग होती है। तो दोस्तों अब तक हमने जाना कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स कितने प्रकार के होते हैं, अब हम ये जानने वाले हैं कि लोग डेरिवेटिव्स में ट्रेड क्यों करते हैं या फिर इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट बाई या फिर सेल क्यों करते हैं। तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने के बेनिफिट क्या है या फिर इसके लॉसेस क्या हैं। तो देखो अभी यहाँ पर सिंपल मैंने अपने धन डीमेट अकाउंट में लॉगिन किया है। अगर आपके पास कोई डीमेट अकाउंट नहीं है तो धन और एंजल वन और जीरोधा, ठीक है, ये तीन मेरे भी फेवरेट हैं, इनका आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो आप स्टॉक में भी ओपन कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। तो आप किसी में भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लेंगे, फिर इसके बाद अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बाई करना चाहते हैं तो आप ऐसे यहाँ पर सर्च करेंगे, ये सर्च बार है, इसमें आप लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल मैं इधर HDFC बैंक को सर्च करता हूँ, HDFC मैं यहाँ पर बैंक लिखूँगा, और अभी जो मंथ चल रहा है अगर आपको इसी मंथ का ख़रीदना है तो आप इसी मंथ का सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिर्फ इधर फ्यूचर को शॉर्ट में लिखेंगे FU2, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके लिए जो तीन कॉन्ट्रैक्ट हैं तो वो आ गए हैं। तो एक यहाँ पर
अक्टूबर मंथ के लिए है, जो कि अभी आज 2 अक्टूबर है, मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अक्टूबर का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, या फिर एक नवंबर का ओपन है और एक दिसंबर का है। तो देखो अभी ये जो मंथ चल रहा है तो हम इसको करेंट मंथ बोलेंगे, और ये जो बीच में नवंबर है तो ये नियर मंथ है, और इसके बाद दिसंबर है तो वो अभी दूर का मंथ है, तो इसको फार मंथ बोलते हैं। मतलब कि करेंट मंथ चल रहा है, आने वाला नियर मंथ उसके ही बाद आएगा, वो फार हो गया। तो मैं जिसके अंदर भी अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ, बाई करना चाहता हूँ या फिर सेल करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो अगर आप यहाँ पर बाई करना चाहते हैं तो बाई पर क्लिक करेंगे, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप सेल पर क्लिक करेंगे। अपनी कंडीशन में मैंने बाई पर क्लिक कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर मैं ख़रीदने के लिए अगर इसमें जा रहा हूँ तो मैं इसमें क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पर लॉट के हिसाब से आपको ख़रीदना रहता है। तो एक लॉट में 550 क्वांटिटी है, अगर मैं 2 लॉट कर देता हूँ तो इसमें 1100 क्वांटिटी है। ज़रूरी नहीं है कि एक लॉट के अंदर 550 हर शेयर में आए, अगर आप दूसरी बैंक का ख़रीदते हैं तो वहाँ पर एक क्वांटिटी चेंज हो सकती है। ये एक्सचेंज डिसाइड करता है कि किस शेयर की कितनी क्वांटिटी एक लॉट के अंदर रखनी है। तो HDFC की कंडीशन में यह 550 है। मान लीजिए यहाँ पर मैं 2 लॉट ख़रीद रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर 1100 क्वांटिटी हो गई। अब कोई ये सोचता है कि मैं फ्यूचर के अंदर इसको ना ख़रीदते हुए मैं ऐसा करता हूँ, इसको ख़रीद लेता हूँ, सीधा शेयर ही में ख़रीद लेता हूँ, ठीक है। तो आप सीधे जाओगे शेयर ख़रीदना चाहे तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बेनिफिट है, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट क्या है, अब हम बेनिफिट की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर इसमें बेनिफिट ये है, मान लीजिए कि हमने 1100 शेयर फ्यूचर के अंदर ख़रीदे, अभी के टाइम पर जो प्राइस चल रहा है वो आप देख सकते हैं 1547.65 पैसे इतना चल रहा है। हम इसको इक्वल टू करते हैं तो कहीं ना कहीं इतना अमाउंट देना पड़ेगा, कितना, 17,02,415 रुपये। अब देखिए यहाँ पर मुझे कितना देना पड़ रहा है, 3,01,142 रुपये। तो ये यहाँ पर फ़ायदा है, इसीलिए लोग क्या करते हैं फ्यूचर में ख़रीदते हैं कि पैसा तो अभी है नहीं, अभी तो थोड़ा लग रहा है, और यहाँ पर हम क्या है बड़ी क्वांटिटी में ख़रीद रहे हैं, तो इसीलिए इसका बेनिफिट ये है। अब हम बात करते हैं कि इसका लॉस क्या है। तो इसका लॉस ये है कि आपके पास पैसा इतना है नहीं, कैपेसिटी से अधिक लोग बाई कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर इसका लॉस है। लेकिन अगर अभी के टाइम पर देखा जाए तो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग तो बहुत ही कम करते हैं। तो देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए।